नामांकन पत्र भरने की तारीख 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन अभी तक सीटों की बंटवारा भी नहीं हो पाई है। इस मुद्दे पर साथ ही सात विधानसभा क्षेत्र पर कौन सा प्रत्याशी होंगे, क्या होगा परिणाम, यह तो आने वाला वक्त में होगा। लेकिन अपने भोजपुर जिला में सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी में कई पार्टी के जिला अध्यक्ष लग चुके हैं। भोजपुर दर्शन कैमरा टीम ने जप्पा और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष से बातचीत की, आइए सुनते हैं उनकी बातें। हम लोगों का जो अभी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन कर रहे हैं, अभी और एक दो पार्टी से आज बात हो जाएगी, तो उसके अनुसार से जो जिसके खाते में जाएगा विधानसभा, ऐसी हमारी तैयारी सातों विधानसभा पूर्ण होती है। तो हम चाहेंगे कि अगर अकेले लड़ते हैं तो हम सातों विधानसभा पर चुनाव यहाँ पर लड़ाएंगे, और गठबंधन लोग कर रहे हैं तो जिसके खाते में, जिस पार्टी के खाते में जाएगा उस पार्टी के हिसाब से ईमानदारी पूर्वक यहाँ पर, अगर 2 सीट पर होगा तो 2 सीट लड़ेंगे, 1 सीट पर होगा तो 1 सीट लड़ेंगे, अगर 4 सीट मिलेगी तो 4 सीट पर लड़ेंगे। विगत 5 वर्षों से आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ रण क्षेत्र में हैं, तो क्या कार्यकर्ता नाखुश नहीं होंगे जो लगे हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं ना खुश होंगे, उससे क्या है, मैंने अब तो सब लोग गठबंधन का, कोई भी आप NDA में देखिए, UPA में देखिए, सारा चीज लोग गठबंधन करके लोग रखा है, 5-5 पार्टी, 6-6 पार्टी। अब हम लोग का जो है तो हमारे भी नेता गठबंधन पे एक थर्ड मोर्चा बना के विश्वास करते हैं, चूँकि 15-15 साल दोनों व्यक्ति को लोग मौका दे दिया यहाँ के जनता, तब लोगों को दिखाई देना चाहिए कि भाई थर्ड मोर्चा को हम लोग तीसरे व्यक्ति के रूप में, विकल्प के रूप में चुने, जो सबसे ज़्यादा अगर बिहार में सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले हैं और समाज की आवाज़ उठाने वाले हैं तो माननीय पप्पू यादव जी हैं। वो बाढ़ के सवाल हो, चमकी बुखार के सवाल हो, या मुजफ्फरपुर गृह कांड का काम हो, या लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों, कोरोना काल की बात हो, या स्टूडेंट को लाने की बात हो, सभी जगह पप्पू यादव जी 1 नंबर पर काम किए हैं। ये अब देखना है, जनता तय करेगी कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। कभी आपने भी किया था कि आरा की जनता मुझे भी स्वीकार करेगी, क्या देखिए, अगर हमारे नेता जी चाहेंगे कि भाई ये ठीक है, हमारे उम्मीदवार ठीक है, लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर टिकट मिलती है तो हम लोग निकालेंगे, मतलब आपकी पर्सनली। हाँ, पर्सनली हम लोग आरा लड़के दिखा देंगे, आरा लड़ेंगे। हाँ, अभी चुनाव की तैयारी। आचार संहिता ने इस बार कुछ विशेष परिवर्तन किया है कोरोना को लेकर? परिवर्तन उसके लाइन अंडर के अनुसार पालन किया जाएगा, जो चुनाव आयोग का जो आया हुआ है लाइन अंडर, उसके अंडर हम लोग काम करेंगे। सातों विधानसभा क्षेत्र पर आपकी उम्मीदवार आएंगे? अभी कहना या जल्दीबाजी होगा, हमारे हाई कमान के यहाँ बैठक अभी भी दिल्ली में चल रहा, निर्णय हाई कमान को लेना है। हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय अविनाश साहब पटना आकर के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर सीट और उम्मीदवार का साथ साथ स्क्रीनिंग किया। कांग्रेस के इतिहास में यह पहला बार हुआ जब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन स्वयं बिहार आकर के जिला अध्यक्षों के साथ सीट और उम्मीदवार दोनों का समीक्षा किया। तो मुझे लगता है कि आदरणीय अविनाश पांडे जी एक अच्छा संदेश देकर गए हैं यहाँ बिहार के कांग्रेसियों, और उसका रिजल्ट अब घंटों 2 घंटों में आपके सामने आने वाला है। अगर सातों विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव अगर होता है, कैंडिडेट आपके खड़े होते, तो आप अपने आप को कितनी मजबूत समझते हैं? हम भोजपुर में सातों विधानसभा पर अपना तैयारी पूर्ण कर चुके हैं, और आपके चैनल के माध्यम से अभी बता देना चाहते हैं कि मेरा 3 विधानसभा बड़ारा, आरा और शाहपुर, इस 3 विधानसभा में हमारे बूथ लेवल एजेंट भी हमने बाहर कर दिया। तो हमारे यहाँ 7 विधानसभा है और 4 विधानसभा पर तो हम बहुत आगे हैं सभी पार्टियों से, 3 विधानसभा में हम हर पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में हैं। कोरोना काल में यह चुनाव होने जा रही है, उसकी तैयारी आपने कैसे किया? हमारी तैयारी, कांग्रेस पार्टी की तैयारी 6 महीना पहले से चल रहा है,
और ये कोरोना काल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के सभी प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और सम्मानित जिला के नेतागण अपने अपने बूथों पर बूथ लेवल एजेंट बना दिए हैं और उनका मोबाइल नंबर यहाँ शहीद भवन कांग्रेस कार्यालय में है, तो हम डिजिटल मेंबर भी बना चुके हैं। तो मुझे इस कोरोना काल में चुनाव लड़ने में कांग्रेस पार्टी को इस जिले में कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारी तैयारी डिजिटल पूर्ण कर ली है।